हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी पिटारे चैनल में मैं रंजू जी आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सूजी की नमकीन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है आधी कटोरी सूजी। सूजी मैंने बारीक वाली ली है, वजन से लगभग 100 ग्राम होंगे। तो सबसे पहले सूजी को हम मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें डालेंगे सूजी का तिहाई भाग आटा। अगर आप चाहें तो आटे की जगह मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, या तो 1/4 चम्मच डाल सकते हैं, और आधा चम्मच डालेंगे अजवाइन। सूजी के स्नैक्स में अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और इसी के साथ इसमें डालेंगे लगभग 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। तो सारी सामग्री को हाथों से अच्छे से करेंगे मिक्स। इससे पहले भी मैंने नमकीन की कई रेसिपीज आपके साथ शेयर की हुई है, चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। कुछ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी देख सकते हैं। यह रेसिपीज आप फेस्टिवल के लिए भी बना सकते हैं, जैसे कि दीपावली या होली के लिए बना सकते हैं। और हाँ, त्योहारों के लिए गुजिया की रेसिपीज भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो उसे भी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो सूजी का मिक्स रेडी हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे गर्म पानी और सूजी को गूंदकर करेंगे रेडी। इसी के साथ रेसिपीज की लेटेस्ट वीडियो हर रोज़ पाने के लिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को क्लिक कर ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो सूजी काफ़ी अच्छे से गूंदकर हो गया है रेडी। अब इसे मैं ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। तो लगभग 20 मिनट हो गए हैं और मिक्स को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, सूजी काफ़ी अच्छे से रेस्ट हो गया है। अब इसे एक बार हाथों से मैं फिर से मसल लेती हूँ, जिससे कि सूजी का डो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। और अब मैं इसकी बनाती हूँ छोटी छोटी लोइयाँ। तो सूजी का नमकीन बनाने के लिए आप अपने मनपसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इससे 3 लोइयाँ बना रही हूँ, इसकी मुझे बड़ी बड़ी पूरियाँ बेलनी है। सूजी का यह नमकीन बहुत ही क्रिस्पी होता है, आप इसे टी टाइम के लिए भी बना सकते हैं और इसे बनाकर आप महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो मैंने एक बड़ी सी पूरी या रोटी, जो भी आप कह सकते हैं, बनाकर रेडी कर ली है। अब छोटा सा मेरे पास यह कटर है, तो मैं इससे इसकी कटिंग करूँगी। थोड़ी सी डिजाइन आ जाती है इसमें, आप चाहें तो चाकू से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो किनारे से थोड़ा सा बिखरा हुआ है, इसलिए मैं कटिंग करके इसका किनारे वाला भाग इस तरह से निकाल दूँगी। और थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा शेप, जैसा भी आप देना चाहें इसे दे सकते हैं। क्योंकि सूजी का मिक्स काफ़ी सॉफ्ट था, इसलिए देखिए निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत ही आसानी से नमकीन निकल रहे हैं। तो इसी तरह से सारे नमकीन को बेल करके कटिंग करके रेडी कर लेंगे। तो चलिए अब फ्राई करते हैं। इधर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इस नमकीन को फ्राई करने के लिए मीडियम गर्म ऑयल चाहिए हमको। तो इस तरह से हम डो डाल करके चेक कर रहे हैं। अभी ऑयल अच्छे से गर्म नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा और गर्म होने देते हैं। ऑयल में नमकीन की उतने ही पीसेस डालें जितना कि आराम से फ्राई हो सके। नमकीन को ऑयल में डालने के 2 मिनट बाद ही इसे उलट पलट करना स्टार्ट करें, जिससे कि नमकीन टूटे नहीं। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं और इस तरह से मैं इसको उलट पलट दे रही हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम पर सूजी के इस नमकीन को फ्राई करें और देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अगर आपको रेसिपी पिटारा चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सूजी के इस नमकीन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सूजी का यह बहुत ही कुरकुरी नमकीन बनकर हो गई है रेडी। तो इसे गर्मा गर्म या ठंडा सर्व कर सकते हैं। तो नमकीन को अभी मैं ऑयल से बाहर निकाल लेती हूँ। अगर आप इस नमकीन को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो पूरी तरह से ठंडा होने के बाद किसी भी एयरटाइट डब्बे में भर करके स्टोर कर सकते हैं। तो नमकीन को अभी मैं ऑयल से निकाल करके 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा होने देती हूँ। तो नमकीन काफ़ी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इसे मैं तोड़कर दिखा रही हूँ, देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं नमकीन। तो इसी तरह से आप भी अपने घर में सूजी के इस नमकीन को बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।